पलवल में बेखौफ हुए बदमाश, धागा व्यापारी से 4 लाख की लूट की गई, पिस्टल तान करके 2 लाख कैश लूटे और 1.89 लाख मोबाइल से ट्रांसफर कराए गए। तो पलवल के होटल में धागा व्यापारी के साथ, आपको बता दें कि बंदूक की नोक पर ये लूटपाट की गई है, जहां पलवल में बेखौफ बदमाश नजर आ रहे हैं और बेखौफ बदमाशों ने एक धागा व्यापारी से 4 लाख रुपए की लूट की है, जहां 2 लाख उन्होंने कैश लूटे और 1.89 लाख जो है वो फोन से ट्रांसफर करवाया सीधे। तो गाड़ी में सवार थे 2 युवक, जहां पलवल के होटल में तेलंगाना के धागा व्यापारी से बंदूक के बल पर करीब 4 लाख रुपए लूटे गए। 2 लाख रुपए उसके पास कैश थे, जबकि 1.89 लाख रुपए फोन के जरिए हथियार। लुटेरे 2 गाड़ियों में सवार थे। पुलिस ने अज्ञात पर लूट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दिया। पलवल में धोखाधड़ी की 2 और वारदातें भी सामने आई है। मूर्ति लिंगम तेलंगाना का रहने वाला है, धागा का व्यापारी है। इसके पास कोई फोन गया था हरियाणा से, तो मेरे पास धागा बहुत है, आप खरीद लो। तो ये वहाँ से आया था धागा खरीदने का। तो यहाँ मुथरा से इको कार में बैठ के यहाँ होटल आया था। होटल से 2 लड़के आए, स्विफ्ट कार में इसको बैठा के ले गए थे और इससे 2 लाख रुपए ले लिए और 90,000 पे फोन से करा लिए। इस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया, तफ्तीश जारी, आरोपियों की तलाश। ये लालच में ही ठगी का शिकार हुए। अभी 2 लोग हैं उसमें, कार में, शिफ्ट में, दो के खिलाफ हुए, आगे तफ्तीश में जो आएंगे।